बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करना था आप नाम से जो बड़ा मेहरबानी है मैं दिस इज मी आरिफ एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल व्यूअर्स आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है डीएचए सिटी के हवाले से आप लोगों से डिस्कस करेंगे इस वक्त आपको डीएचए सिटी की लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे इससे पहले भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आसानी मिलती रहे मेरे वो व्यूवर्स जो मुझे रेगुलरली देखते रहते हैं उन सबसे जो है मैं माजरत करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी डेज से कोई एक हफ्ते से जो है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से जो है मैं अपना वीडियो का जो सिलसिला था वो जारी नहीं रख सका तो अब रेगुलरली इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो डीएचए सिटी के हवाले से डीएचए लाहौर में डीएचए क्वेटा में हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं इंशाल्लाह उनको लेटेस्ट अपडेट्स बाय जो है आसानी मिलती रहेंगी तो आज जो डेट है वो 9 फरवरी 2022 और आज की इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं डीएचए सिटी के हवाले से जो 15 जनवरी को इसकी हेयरिंग थी और इसके बाद 15 जनवरी भी जो गुजर चुका और अभी क्योंकि हेयरिंग के हवाले से अगर हम इस वक्त डीएचए सिटी की बात करें तो जो मामला रूडा का था रावी अर्बन डेवलपमेंट का वो भी इस वक्त सॉल्व हो चुके हैं और रावी अर्बन डेवलपमेंट भी इस वक्त जो अपना काम स्टार्ट कर दिया और इस वक्त मार्केट के अंदर रावी अर्बन डेवलपमेंट की फाइल्स भी अवेलेबल है क्योंकि डीएचए सिटी का अभी व्यूअर्स जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हेयरिंग का आ रहा है वो एक जो दोनों कोर्ट और डीएचए का है कि वो दोनों चाहते हैं कि किसका प्रॉपर जो है डिसीजन लिया जा सके क्योंकि काफी यहाँ पे पेंडिंग हो चुका है और अभी मतलब मजीद इसको पेंडिंग में डालना एक वक्त का जो है जाया होना है तो इस वजह से जो है कोर्ट और डीएचए इस चीज को ज्यादा जो है इसलिए टूल दे रहे हैं या ज्यादा आगे एक्सटेंड होती जा रही है डीएचए की हेयरिंग जो है इंशाल्लाह जिस दिन ये हेयरिंग हुई तो उस दिन इसका कोई ना कोई फैसला इंशाल्लाह आ जाएगा अगर हम इसके देखें प्रीवियस मार्केट के अंदर पिछले दिनों जब 15 जनवरी तक इसकी हेयरिंग की न्यूज थी तो मार्केट थोड़ी सी बेटर हुई थी और फिर बीच में जो हेयरिंग की डेट गुजर गई उसके बाद दोबारा मार्केट जो है दोबारा क्राइसिस की तरफ चली गई तो इंशाल्लाह ये यहाँ पे एक बेटर इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आप आए फाइल खरीदें सबसे कम इन्वेस्टमेंट जो है डीएचए सिटी के अंदर है मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताया और इस वक्त भी आज की इस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त बाय का टाइम है वो लोग जो कि कम इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं जिनके पास कम बजट है वो लोग यहाँ पे डीएचए सिटी के अंदर इन्वेस्ट करें क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर जो है यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिलने वाला है और आई होप सो दैट कि आपको जो है इसकी अफादियत का पता बहुत जल्दी चल जाएगा क्योंकि डीएचए सिटी के अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है 1.6 मिलियन के राउंड अबाउट भी यहाँ पे फाइल्स का रेट था तो आज अगर एक साल के बाद यहाँ पे फाइल रेट देखें तो काफी यहाँ पे डबल से भी बढ़ चुका है इस वक्त ग्राउंड अबाउट जो है अगर हम बात करें कोई 5 मरले फाइल की बात करें तो इस वक्त 37.5 में 5 मरला अवेलेबल है इसी तरह जो 10 मरला फाइल है वो कोई 56 के राउंड अबाउट है और इसके अलावा जो अगर 1 कनाल की बात करें तो 95 लाख के राउंड अबाउट इस वक्त फाइल्स अवेलेबल है तो वो तमाम लोग जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डीएचए के अंदर तो सबसे अच्छा ये टाइम है आप डीएचए सिटी के अंदर इन्वेस्ट करें और आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक रिटर्न हासिल होगा और लेकिन यहाँ पे आप व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि हमेशा फाइल्स को अगर हम देखें तो जहाँ पे भी आप फाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है आपको खासतौर पर डीएचए के अंदर किसी भी एरिया के अंदर आप फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 से 2 साल तक वेट करना पड़ता है उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी इस वक्त का अगर आज की डेट का हम आपके साथ रेट शेयर करते चलें तो जो 5 मरले का रेट है वो 37,50,000 में आपको फाइल मिलती है इसी तरह जो 10 मरले की फाइल है वो 55-50 के राउंड अबाउट आपको 10 मरला की फाइल मिलती है और जो 1 लाख की फाइल है वो 95 लाख के राउंड अबाउट आपको डीएचए सिटी की फाइल मिलती है तो इंशाल्लाह हम इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक दफा इसको लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस आप लोगों को लाते रहेंगे और हमारी एक फैमिली जो है आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा।